इयाक नाबुदु इयाक नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन, मेरी उम्र 25 साल है। मैं आज ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। आज तारीख 10 अप्रैल 2024 ईद-उल-फ़ितर के मौके पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ को ज़ीरो टू रिस्टार्ट किया है। इस ज़ीरो टू रिस्टार्ट के मौके पर जब मैं अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करने वाला हूँ, मैं ये इसको वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ना मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, ना मुझे मेरा कैमरा अच्छा है, ना मेरे पास मोबाइल अच्छा है। मैं एक जॉब कर रहा था, उसमें कुछ मुश्किलात मसाइल की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा आगे का जो प्लान होगा, एक ख्वाब है उसको पूरा करना है, एक मिशन है उसको पूरा करना है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज से 5 साल के बाद जब मैं देखूँगा अपनी लाइफ को तो मुझे पता चलेगा। मेरा ख्वाब यूट्यूबिंग टिकटॉकिंग ये नहीं है, मेरा ये शौक है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जब मुझे पता चले कि मैं 10 अप्रैल 2024 को क्या था जब मैंने अपनी लाइफ ज़ीरो से रिस्टार्ट करने की। तो जब मैं आगे 5 साल के बाद अपनी लाइफ को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, मैं वीडियो बनाता रहूँगा कि मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो आज के मौके पर मेरे फॉलोअर भी नहीं है, ना मैं कोई मशहूर हूँ ना कुछ। 2019 में मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मेरे इतने फॉलोअर नहीं थे टिकटॉक पर, डबिंग में बनाई थी। तो अभी मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में बनाना चाहता हूँ और रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड रहे। तो अपना तारफ मैंने आपको करवा दिया है, तो ये मेरा बनाने का मकसद भी यही था ताकि मुझे आज से बाद में पता चले मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक शौक है, टारगेट है, गोल है। मैं नहीं जानता मंजिल का, मुझे पता है रास्ता क्या होगा, कठिन होगा, मैं नहीं जानता रास्ते का, मैं नहीं जानता मंजिल का मुझे है। तो वो मंजिल में पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी होगी, तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो मेरे यूट्यूब पे कोई फॉलोअर तो नहीं है, मेरे दो फॉलोअर हैं, एक मेरे दोस्त ने मुझे किया हुआ है, एक मेरा और फॉलोअर है। तो इंशाल्लाह आगे भी जब हम वीडियो बनाएंगे, जब हम कोई वीडियो हमारी वायरल होगी पता चलेगा, फन करेंगे कोई कुछ करेंगे, लेकिन हम अपनी ओरिजिनल वॉइस में बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। आज ईद के मौके पर मैं गाँव में हूँ, बाद में शहर में जाना है, किधर जाना है, क्या करना है वो आपको बता दे सकते हैं। शुक्रिया। अपना गाँव भी मैं इस मौके पर कुछ दिन में इधर हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा, वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आपको पता चलेगा। थैंक यू, शुक्रिया।